केतन, तूने अब फिर से नया मोबाइल ले लिया? अभी 3 महीने पहले ही तो लिया था, और वो भी इतना महंगा। बेटा जरा देख कर चला कर, महंगाई का जमाना है, ऐसे ही पैसा लुटाता रहेगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी। नरेश जी ने अपने बेटे को टोका। ये सुनते ही केतन का पारा चढ़ गया। क्या पापा, आप बिना हर चीज में टोका टोकी करते हो? अपने बेटे की खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती है? अब मन था तो ले लिया, मेरे सभी दोस्तों के पास है और उनके परिवार में तो 3-4 भाई बहन है। जब वो ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं तो फिर भी इकलौता ही हूँ, और आगे पीछे ये सब कुछ मेरा ही तो है, फिर मैं क्यों कटौती करूँ? अच्छे से क्यों ना जीऊँ? बेटा वो तो सब ठीक है, पर तेरे दोस्तों लेते होंगे तो वो अच्छा कमाते होंगे और अपने पैसों से लेते होंगे। तू तो कुछ खास कमाता नहीं है, बस बाप के पैसों पर ऐश करता है। अरे यूं ही पैसों को लुटाता रहेगा तो बुढ़ापे में हम खाएंगे क्या? क्या पापा, आप भी बुढ़ापे का रोना रोते रहते हो, अभी तो जवानी है, ऐश करने के दिन है। केतन ने अपनी बात खत्म की और जल्दी से चला गया। नरेश जी मन महसूस कर रह गए। एक ही बेटा है और वो भी सुनता नहीं है, कुछ समझना चाहो तो उल्टे जवाब देकर मुंह बंद कर देता है। वो पहले ही अपनी बीमारी और अकेलेपन से परेशान है, उस पर बेटे का रूखा व्यवहार उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन केतन को ना उनकी बीमारी की फिक्र थी और ना ही उनके बिजनेस की, जिसमें दिन रात अकेले नरेश जी ही लगे रहते थे। केतन की मम्मी की मृत्यु कुछ समय पहले कैंसर से हो गई थी। नरेश जी ने उनका बहुत इलाज करवाया, पर इलाज में लाखों लगाने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका, और तभी से उनका धंधा भी मंदा ही चल रहा था, वो काफी परेशान रहते थे। केतन दुकान पर तभी आता था जब उसे पैसों की जरूरत होती थी। ग्राहक आते वो सामान बेचता था और पैसे गल्ले में ना डालकर सीधा अपनी जेब में डाल देता था और दुकान से रफू चक्कर हो जाता। नरेश जी उसे समझाकर परेशान हो जाते थे। किसी ने सलाह दी कि इसकी शादी कर दो, पर केतन अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। दुकान पर दिन रात काम करते नरेश जी जब घर आते तो उनके साथ प्यार भरे बोल बोलने वाला कोई नहीं होता था। एक दिन रविवार को दुकान बंद थी, तभी घर के आगे एक चमचमाती मोटरसाइकिल रुकी। उसमें से केतन उतरा। पापा ये नई मोटरसाइकिल ली है, कैसी लगी? नरेश जी को आश्चर्य हुआ। तू इतने पैसे कहां से लाया? उन्होंने कहा, पापा वो खटारा कार बेचकर मैंने नई मोटरसाइकिल ले ली। मेरे सभी दोस्त बाइक चलाते, वो ओल्ड फैशन कार अच्छी नहीं लगती थी, और अब मैं नई कार भी लेने वाला हूं। तू करता क्या है जो नई कार लेगा? पहले खुद कमा और खा, फिर ये फालतू के शौक पाल। नरेश जी ने कहा, पापा आपकी दुकान है और इतना सारा पैसा है, ये सब कुछ मेरा ही तो है, मुझे कमाने की जरूरत क्या है? उसने बदतमीजी से कहा, बेटा तू कमाता नहीं है ना ही दुकान पर बैठता है, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन नरेश जी की हर बात वो सुनी अनसुनी कर देता था। एक सुबह उसने बताया कि उसने मोटरसाइकिल बेचकर सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, और अब वो बहुत जल्दी हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों कमाने वाला है। बेटा शेयर मार्केट में तो बहुत रिस्क होता है, एकदम से इतना पैसा वहां लगाना ठीक नहीं है, और लगा भी दिया तो तुझे और भी कमाने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ शेयर मार्केट के भरोसे जिंदगी तो नहीं चलेगी, नरेश जी ने समझाना चाहा। नरेश जी शुरू से ही संतोषी स्वभाव के रहे, घर से दुकान और दुकान से घर, उनकी जिंदगी ऐसे ही बीती थी। सुंदर और सुशील उनकी पत्नी नीरा थी। नीरा जी ने बहुत कुशलता से घर चलाया और सभी सामाजिक रिश्ते भी निभाए थे। नीरा जी बहुत अधिक खर्चीली नहीं थी, वो कम में भी गुजारा कर लेती थी और खुश रहती थी। लेकिन उनका बेटा बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का था और अपनी हर जिद पूरी करके मानता था। उसे कोई खिलौना पसंद आ जाता था तो वो लेकर ही मानता था। स्कूल में किसी का स्कूल बैग और बोतल पसंद आ जाती थी तो वो भी बिना लिए नहीं रहता था। यहाँ नीरा जी कमजोर पड़ जाती थी, माँ थी तो बच्चे के लिए पिघल जाती थी। नरेश जी समझाते थे कि एक ही बेटा है तो क्या हुआ, इसे इस तरह से जिद्दी बनाना ठीक नहीं है, वरना आगे जाकर परेशानी होगी।
नीरा कुछ ना समझती। एक बार केतन स्कूल से गुस्से में आया और बोला, मुझे मेरे दोस्त मनीष की जैसी नई साइकिल चाहिए। मेरी साइकिल पुरानी हो गई है और अब मैं वो पुरानी साइकिल लेकर स्कूल नहीं जाऊंगा। तुझे नई साइकिल नहीं मिलेंगी, तू बहुत महंगी साइकिल की जिद कर रहा है और तेरी ये साइकिल भी सिर्फ एक साल पुरानी है, अभी तो सालों चलेगी। नरेश जी ने अपना फैसला सुना दिया। ये सुनकर उसने खाना छोड़ दिया और वो सुस्त रहने लगा। नीरा जी से ये नहीं देखा गया और उन्होंने अपनी सौगंध नरेश जी को देकर नई साइकिल दिलाने को कहा। नीरा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, बच्चे को इतना जिद्दी बनाना भी ठीक नहीं है, बाद में हमें ही तकलीफ होगी। एक ही बेटा है पर सिर पर चढ़ा लेना समझदारी नहीं है। अरे आप फालतू में ही तनाव लेते, मेरा बेटा है, कुछ गलत नहीं करेगा और अभी तो बच्चा है, इसके जिद करने के दिन है। नीरा जी अपने ममता के आंचल में बेटे की हर गलत बात को छिपा लेती थी। नरेश जी अब केतन से ध्यान हटाकर बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे और समय के साथ जब भी ज्यादा कमाई होती थी या एक मुश्त पैसा आता था तो वह जमीन और सोना ले लेते थे, क्योंकि उन्हें केतन पर जरा भी भरोसा नहीं था कि वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। वो खुद अपनी जिंदगी नहीं बना पा रहा था तो उन लोगों की क्या परवाह करता। कुछ महीनों बाद नीरा जी एकदम से बीमार पड़ गई। उनका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और वो अंतिम चरण में है। यह सुनते ही नरेश जी के पैरों से जमीन सरक गई। उन्होंने यथासंभव इलाज करवाया लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। पत्नी के जाने के बाद बहुत ही अकेले हो गए थे। उस पर ऐसा लालची और बिगड़ेल बेटा जो बिना मेहनत किए हुए अमीर बनना चाहता था उन्हें बहुत ही दुखी करता था। हालांकि उनकी उम्र अभी 50 की भी नहीं थी। जल्दी शादी हो गई तो बेटा भी जल्दी हो गया था। पापा, मुझे शेयर मार्केट में बहुत फायदा हुआ है तो आप मुझे वो जमीन बेचकर उसका पैसा दे दीजिए जो आपने मम्मी के नाम खरीदी थी, केतन ने कहा। केतन, जरूरी नहीं है एक बार फायदा हो तो हमेशा ही फायदा होगा। शेयर मार्केट डूबो भी सकता है, जो फायदा हुआ है वो पैसा बिजनेस में लगा दे और शेयर मार्केट में अब और पैसा मत लगा। लेकिन केतन मान नहीं रहा था। पापा, आपके सिर्फ मैं अकेली जिम्मेदारी हूँ और ये पैसा मेरे ही काम आएगा, तो आज मिले या कल क्या फर्क पड़ता है। बेटा, इसी तरह हम सब कुछ बेच देंगे तो बुढ़ापे में खाएंगे क्या? तू भी कुछ काम नहीं करता है, ना ही बिजनेस में रुचि लेता है, भविष्य के लिए बचत बहुत जरूरी है, नरेश जी ने कहा। केतन पर जल्दी अमीर बनने का भूत सवार था। उसने एक रात जमीन के पेपर चोरी कर लिया और उसे बेचकर वो पैसा भी शेयर मार्केट में लगा दिया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो पैसा डूब गया तो वह हताश होने की बजाय नरेश जी से और पैसे मांगने लगा और नीरा जी के गहने बेचकर भी वो शेयर मार्केट में लगा दिए। नरेश जी ने उसे सबक सिखाने के लिए योजना बनाई और एक सुबह वो मंदिर से आए तो साथ में एक महिला थी। उसे देखते ही केतन चौंक गया। पापा, आपने शादी कर ली? पापा, आपने समाज में हमारी नाक कटवा दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नरेश जी गुस्से से बोलते। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, फिर समाज में नाक ऊंची करने का ठेका अकेले मैंने ही नहीं ले रखा है। तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है, तो मैं कब तक देख सकता हूँ? तू कह रहा था ना कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर अब है, अब मुझ पर सरोज और दोनों बेटियों की जिम्मेदारी है। मैं तुझे अब और पैसे नहीं दे सकता हूँ, इसी तरह पैसे लुटाऊंगा तो अपनी पत्नी और बेटियों को क्या खिलाऊंगा, बेटियों की तो मुझे शादी भी करनी है। अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर केतन चौंक गया और वो बहुत गुस्सा हुआ। पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, अभी तो मम्मी को गए हुए एक साल भी नहीं हुआ है और आपने दूसरी शादी कर ली, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। जब तू शादी नहीं कर रहा है तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं, घर में एक लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी है, नरेश जी की बात सुनकर वो चुप हो गया। अब सरोज जी ने घर की रसोई संभाली और दोनों बेटियों का एडमिशन भी कॉलेज में करवा दिया था। सरोज जी ने केतन को बताया। सरोज जी के पति की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी,
बस किसी भी तरह से घर चला रही थी। मैं रोज मंदिर जाता था, वहीं वो भी आती थी। दोनों एक दूसरे का दुख दर्द सुनते थे और ऐसे ही हम करीब आते गए। अब मुझे भी लगने लगा था कि बुढ़ापे में अकेले रहने से अच्छा है कि कोई साथी मिल जाएगा और सरोज जी को भी सहारा मिल जाएगा, साथ ही दोनों बेटियां भी अच्छे से पल जाएगी। केतन शुरू में तो बहुत गुस्सा था, पर जब सरोज जी ने घर संभाल लिया तो उसे भी अच्छा लगने लगा। समय पर नाश्ता खाना मिलने लगा, जो पहले मिलता नहीं था। आधे समय वो बाहर खाता था, घर पर भी दोनों जने ढंग से पका नहीं पाते थे। बिना गृहिणी के घर वैसे भी कहां घर लगता है। सरोज जी जब भी खाना बनाती तो केतन को अपनी माँ नीरा जी की याद आ जाती है। शायद उनके जाने की वजह से वो और भी ज्यादा बिगड़ गया था, क्योंकि नरेश जी हमेशा काम धंधे और पैसा कमाने की बात करते थे। बेरोजगार बेटा भी एक समय बाद माता पिता को भारी लगने लगता है। अब केतन सुधरने लगा था, वो दुकान पर भी जाने लगा था। दिन भर दुकान पर रहकर नरेश जी का हाथ बटाता था और सारे भागा दौड़ी वाले काम वो खुद किया करता था। लेकिन उसे एक बात अखरती थी, सरोज जी नरेश जी के कमरे में ना रहकर अपनी बेटियों के साथ में रहती थी। उसने कई बार सोचा पर पूछना जरूरी नहीं समझा। केतन के लिए अब रिश्ते आने लगे थे। केतन ने अंकिता को पसंद किया और दोनों का विवाह तय हो गया। लेकिन अंकिता अपने मम्मी पापा के फैसले से खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसके ससुर जी ने अभी दूसरी शादी की है, तो नई सास पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। मन में शिकायत लिए हुए वो ससुराल में आ गई। उसका भव्य स्वागत हुआ और दो चार दिन सभी रस्में होने के बाद सरोज जी ने कहा, बहू अब तुम अपना घर संभालो, मैं यहां से चलती हूँ। अच्छा हुआ केतन का घर बस गया है, हमारी योजना सफल हुई, अब घर की लक्ष्मी से घर बसा हुआ खुशहाल रहेगा। माँ आप ये क्या कह रही है, केतन आश्चर्य से बोला। माँ नहीं बेटा, मैं तेरी दूर की मौसी लगती हूँ। जीजाजी बहुत परेशान थे और तू सुधर नहीं रहा था, हमने सोचा मैं घर में आ जाऊंगी तो तू भी शायद घर से जुड़ जाएगा और अपना घर बसा लेगा, बस इसलिए ये सब कुछ किया। हमने मंदिर में शादी नहीं की, बल्कि ऐसे ही माला पहनकर घर आ गए। मैं तो जीजाजी के कमरे में उनके साथ रही भी नहीं, मैं थोड़े महीने के लिए आई थी। तेरे मौसाजी कंपनी के काम से अमेरिका गए हैं और मुझे यहाँ इस शहर के कॉलेज में दोनों बेटियों का एडमिशन करवाना था, इसलिए ये सब नाटक किया और तुझे झूठी कहानी सुनाई। नरेश जीजाजी तो नीरा जीजी से बहुत प्यार करते थे, वो दूसरी शादी कैसे कर सकते। हाँ बेटा, मेरे जीवन में नीरा की जगह कोई नहीं ले सकता है, नीरा तो मेरे प्राणों में बसी हुई है, मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। बस मैं तो तुझे सुधरते हुए तेरा घर बसते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने सरोज से मदद मांगी और इसने मेरी बहुत मदद की। केतन और अंकिता देखते ही रह गए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। दोनों ने अपनी सरोज मौसी का बहुत धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। नरेश जी भी अब खुश थे, उनके बुढ़ापे के लिए चाहे धन जमीन सोना नहीं बचा, पर उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया था। दोस्तों, बुढ़ापे के लिए चाहे पैसा नहीं हो पर एक अच्छी संतान हो जो आपके दर्द को समझे, आपको सम्मान दे, तो आपका बुढ़ापा वैसे ही सुधर जाता है। माता पिता ही अपने बच्चे को पालते हैं और बिगड़ जाए तो सही रास्ते पर भी ले आते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।